इस कार्यक्रम में बिराजी मातृशक्ति को सशक्त वंदन। इस कार्यक्रम में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पधारे परम श्रद्धे एक उच्च कोटि के साधक, पूर्व जन्म के योगी, आदरणीय श्रद्धे महेंद्र सिंह जी भूपा जी को हृदय से साधुवाद शुभकामना प्रणाम। आपके साथ पधारे हुए समस्त कार्यकारिणी के वो सुलझे हुए कर्म योगी जो हमेशा धर्म के कामों में तत्पर रह करके करने वाले समस्त पदाधिकारी गण, उनको साधुवाद और शुभकामना। मंच पर बिराजे हुए समाज के प्रबुद्ध जन, सभी समाजों के प्रमुख गण मंच पर अपनी ऊर्जा और शक्ति सरस्वती के साधक, हमारे भजन नौ के द्वारा ज्ञान प्रस्तुत करने वाले समस्त बंधुजन और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली वे सूत्रधार नीम के पत्र युवा शक्ति, जिन्होंने इस नगरी के अंदर इतना विशालतम ये भक्तों का सैलाब उपस्थित करके व्यवस्था की, हमें आदर सत्कार प्रेम दे गया, उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हीरो की नगरी, इन हीरे की नगरी सूरत के अंदर ये हमारे जो हीरे बैठे हैं, असली हीरे तो ये हैं। वो पत्थर के हीरे तो किसी के अंगूठी में बड़े धनपति के वहां जाते हैं, वहां लग के शोभा बढ़ाते हैं, परंतु ये असली हीरे हमारे हिंदू समाज की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे हीरो के बीच में खड़े होकर के जब बोलने का विषय आता है तो हृदय भर आता है और देख करके दिल खुश हो जाता है कि हिंदुस्तान जग गया है, हिंदू समाज जग गया है। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत एक अखंड भारत बन करके ये केसरिया झंडा संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा करके स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था, डॉक्टर हेदगेवार का स्वप्न था, प्रत्येक संत का स्वप्न है, प्रत्येक क्रांतिकारी का स्वप्न था और प्रत्येक जागरूक नागरिक का स्वप्न है कि एक दिन ये विश्व की शक्ति बन करके संपूर्ण विश्व को जगाने वाला कोई होगा तो भारतीय युवा होगा। और उसका प्रमाण इस सूरत के इन युवाओं ने, इस बुद्धिजीवी लोगों ने करके दिखाया। इसलिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं और दिल खुश होकर कहता हूं कि एक दिन आएगा कि केसरिया झंडा संपूर्ण विश्व में फैला करके हम रहेंगे किरणवंतो विश्व महारियम के नाम से, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ मानव बना करके ही रहेंगे। यही ऋषियों की वाणी थी, यही शास्त्रों का उपदेश था, यही संतों का उपदेश था कि मानव को मानव कोई बनाएगा तो हिंदू शास्त्र और हिंदू संस्कृति के संत बनाएंगे। उस पर चलने वाले लोग आज चेत गए हैं, निश्चय ही संसार को हम मानव बना करके रहेंगे। कृष्ण भगवान के हृदयंगम करके भजन करने वाले जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की वाणी नहीं है, भगवान का साक्षात रूप है, ऐसे ही हमारे आदरणीय परम श्रद्धे भोपाल जी के हृदय के अंदर से उद्गार निकल रहे थे और उनके हृदय के उद्गारों को सुन करके मेरे जोश में भी एक दुगना रूप आया और नव चेतना आई, शुद्ध जागृति आई कि आपने कहा मैं श्रोता बनकर आया हूं, आप श्रोता बनकर के नहीं आए, आप भ्राता बनकर के आए, आप भाई बनकर के आए। एक से दो, दो से चार, जब हम सब मिल जाएंगे तो सम गच्छत्वं संपदत्वं संभव मनांसि जानता। आज हम सब लोग मिल करके चिंतन करेंगे, मिल करके कोई काम करेंगे तो कोई ऐसा असंभव काम नहीं होगा जो संभव में नहीं हो जाएगा। एक का काम नहीं है, इस राष्ट्र के लिए प्रत्येक संत को भी तैयार रहना है, प्रत्येक कृष्ण को भी तैयार रहना है, प्रत्येक व्यक्ति को तैयार रहना है, सबको राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देनी है। इदम राष्ट्राय इदन्न ममः, ये राष्ट्र के लिए मेरे लिए नहीं है,
इस भावना के साथ में एक नव चेतना आ रही है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के अंदर नया चिंतन पैदा हो रहा है और एक स्वप्न देखे हुए बैठा है। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, फिर भी अपने विचारों के अभिव्यक्ति पर अपने को संयम नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भ्राता श्री जी ने आज मेरा जोश दुगना कर दिया है। कभी कभी सबको अपने अच्छे सच्चे दोस्त और मित्र की जरूरत होती है। मैं भी तलाशता था कोई सच्चा अच्छा दोस्त, बाबा का भी होना चाहिए, तो मुझे सच्चे अच्छे दोस्त एक दो मिले हैं। उनमें से भी आपके सामने अपना तय कार्यक्रम छोड़ करके, व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल करके, अभी भोजन भी नहीं किया है, मैंने पूछ लिया चुपके से कान में कर लूंगा, भोजन की चिंता नहीं, आराम की चिंता नहीं, चिंता है तो केवल धर्म की है, चिंता है तो केवल हिंदुस्तान की है, चिंता है तो केवल गाय की है। दिन रात धर्म की सेवा में लगे रहते हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे थे, अपनी असलियत हमारे से छुपी हुई है क्या आपकी भी? आप क्या कर रहे हो हमें पता नहीं है क्या? आप एक युवा जवान खानदान कुल के, आपकी चिंता करते तो हम शादी करते, आपने चिंता की धर्म की, आपने चिंता की गाय की, आपने चिंता की हमारी भारतीय संस्कृति की, इसलिए प्यारी पत्नी नहीं लगी, प्यारी आपको भारत माता लगी, प्यारी आपकी आपकी संतान पैदा करनी आपको प्यारी नहीं लगी, आपको ये भक्त प्यारे लगे कि इनको मैं सदमार्ग बताऊंगा, एक सच्चा हिंदुस्तानी सच्चा हिंदू बना करके रहूंगा। इसलिए आपने जिस प्रकार भगत सिंह ने अपनी भरी जवानी देश को समर्पित की थी, ऐसे आपने भरी जवानी हिंदू समाज को समर्पित कर दी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे मात्र 10 व्यक्ति ऐसे मिल जाए जो मेरे विचारों से ओतप्रोत हो और समर्पण भाव से राष्ट्र सेवा में लग जाए, तो ये देश दुनिया में सबसे सिरमौर हो जाएगा। ऐसे हिंदू विचारक मुझे 10 व्यक्ति मिल जाए, संपूर्ण विश्व केंद्र हिंदू धर्म को फैला करके रह जाएंगे। अब ऐसे हीरे मिलने लग गए, ऐसे आप जैसे हीरे मिलने लग गए हैं, तो आशा की किरण गिरी खंडरा में बैठे हुए संत आज ये तपस्या करते तो एक ही चिंतन करते हैं कि ये हिंदू जग जाए, मानव जग जाएगा, हिंदुस्तान के अंदर एक नया चिंतन आ जाए तो पूरी दुनिया एक नए मार्ग पर चल पड़ेगी। उन तपस्वियों की भी चिंतन में यही भजन में यही भाव है, समाज सुधारकों के चिंतन में भी ये भाव है, दुकान पर बैठे हुए सेठ के हृदय में भी ये भाव है, घर में बैठी हुई माता के हृदय में भी ये भाव है, बच्चे के भी भाव यही है, विद्यार्थी का भी यही भाव है कि एक दिन हिंदू जगेगा और विश्व का सिरमौर बनेगा। वो दिन अब दूर नहीं लगते, चारों तरफ एक भावनात्मक बदलाव आपने देश में देखा है। पिछले 5-7 सालों के अंदर एक राजनीतिक चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, परंतु सबके दिल के अंदर खुशी का कमल खिल रहा है ना, वो खुशी का कमल हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। राजनीतिक नहीं कह रहा हूं, परंतु ये खुशियां जब होती हैं तो पार्टी किसी का भी ऊपर मोदी का सब दीवाना है। मेरे अच्छे भगत हैं कांग्रेस के मेरे अच्छे भगत हैं, पर ईमानदारी से कहते हैं बाप जी, जब एमपी का राष्ट्र की बात आती है तो मोदी को ही वोट देंगे हम तो। ये विषय तो अलग हो गया है, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, सबका आदर करता हूं, पर मैं मूल विषय पर आता हूं। कुछ विषय आपने ऐसे रखे जिन विषयों का मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आपने बहुत कुछ कह दिया है, कुछ विषय मुझे अलग से रखने हैं आपके सामने। एक सज्जन जो मेरे से पहले हमारे बहुत ओजस्वी मंच संचालक महोदय जो कह रहे थे, उससे पूर्व एक स्वरचित कविता जिन्होंने पढ़ी, उनके हृदय को उद्गार देख करके भी मैं गदगद हुआ, उनको भी साधुवाद देता हूं कि अपने चिंतन को कैसा मोड़ा आपने। आप कविता रस श्रृंगार रस की भी लिख सकते थे, आप कोई ऐसे नाच गान की भी कविता लिख सकते थे,
परंतु आपके हृदय के अंदर भी वीर रस विराजा था और भारत का वो चित्र और राजस्थान का वो चित्र आपके दिमाग में बैठा था जिसको आपने अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने रखा। आपकी बधाई के साथ और आपको भी शुभकामना देता हूं। सज्जनों, एक विषय आया कि संसार के अंदर मनुष्य बन करके जो आता है वो भाग्यशाली है, और ये शब्द संतों के हैं, बड़ा भाग मानुष तन पाया। इसमें हम सब लोग सर्वसम्मत हैं, सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिना भाग्य ये मानुष का तन पा ही नहीं सकते। यदि मनुष्य का तन पाया है तो इसके लिए हमने बहुत तपस्या, साधना, पुण्य, प्रताप, पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके नाते भगवान ने अपना स्वरूप देकर के नर नारायण बना करके पृथ्वी पर भेजा, कोई कुत्ते बिल्ली बना करके नहीं भेजा। इसका कारण यही हमने पूरे दिन कोई कर्म किया नहीं, बड़ा भाग मानुष तन पाया। तो एक शंका खड़ी होती है कि बड़ा भाग मानुष तन पाया तो दुनिया के सभी भाग्यशाली है लोग, दुनिया के किसी भी मत मतांतर संप्रदाय के व्यक्ति है, दुनिया में किसी देश के नागरिक है, सारे के सारे भाग्यशाली है। चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे यहूदी है, फारसी है, चाहे अमरीका है, चाहे पाकिस्तानी, चाहे जापानी, चाहे दुनिया में मनुष्य बनकर के आया तो भाग्यशाली है। ये सब सर्वसम्मत बात हो गई है, पर एक तुलनात्मक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक शब्द है भाग्यशाली और दूसरा है परम सौभाग्यशाली। तो इतनी सारी दुनिया के अंदर भाग्यशाली तो सब हो गए, पर ये बताओ परम सौभाग्यशाली कौन है? कौन है इनमें से परम सौभाग्यशाली? कौन कहेगा और किसको कहेंगे कि ये परम सौभाग्यशाली? अभी दुनिया के अंदर रहने वाले 9-10 अरब लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि बताओ तुम किस रूप में संसार में आए थे सबसे पहले, या उनसे पूछा जाए बताओ तुम किस कब आए संसार में, या उनसे पूछा जाए तुम किस जगह आए संसार में, तो अपनी अपने तर्क और अपने अपने सिद्धांतों के माध्यम से कहेंगे, जिनके देश तकरीबन 84 देश इस समय बन गए दुनिया में, वे कहेंगे कि हम तो बंदर के रूप में आए थे, हम इंसान के रूप में नहीं आए थे। जब इस पृथ्वी पर मनुष्य आया तो सबसे पहले बंदर जैसी आकृति वन मानुष बन करके आया था। वो भी पढ़ते, हमें भी पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाया गया होगा कि दुनिया में जब मनुष्य आया सबसे पहले तो बंदर जैसा था, वन मानुष था, धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आया और आज ऐसा सभ्य मनुष्य बन बैठा है। उनको पूछा जाएगा आप दुनिया में कब आए, तो वो कहेंगे 2017 साल हुए, इससे पहले हमें पता नहीं मनुष्य कैसे था, क्या करता था, क्या सिद्धांत थे, क्या धर्म थे, क्या नीति थी, हमें पता नहीं। हमें इतना पता है 2017 साल हुए कि हमारे यहाँ आए हुए को, और अभी ये आ रहा आपका जनवरी, पहला जनवरी आएगा जो मनाते हैं, उनकी प्रसंग की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरे जिनके 54 देश बन गए दुनिया में, उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे भाई हमारे को 1400 साल आए हुए हैं और हम तो फरिश्ते के रूप में ऐसे ही आए थे। अब कहां आए थे इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। कुल मिलाकर के उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कहा जाए कि सत्य और प्रमाणिकता के साथ में आप कहो आगे इतिहास क्या था, वो नहीं बता पाएंगे। अब पीछे जो बचे उनसे पूछो, पीछे कौन बचे? हम बचे। आज हिंदू समाज के शास्त्र और संतों से आपसे पूछा जाए आप किस रूप में आए थे, तो हम कहेंगे जिस व्यक्ति ने, जिसने हमारे सामने रखा कि हम बंदर के रूप में आए थे, हम मानुष वन मानुष के रूप में संसार में सबसे पहले आए थे, उनसे पूछो भाई ये कैसे हुआ, बंदर से मनुष्य कैसे बन गया, तो वो कहेंगे प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना और परिवर्तन के साथ में हमने ऐसा स्वरूप पाया है। तो उनसे पूछो प्रकृति का नियम परिवर्तन का है, इसका मतलब सब सभी में परिवर्तन होता है एक मनुष्य में नहीं, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो हमें ये बताइए कि संसार में सबसे भैंस किस रूप में आई थी, आज इस रूप में, जब दुनिया में सबसे पहले भैंस बनी तब किस प्रकार की थी जो आज इस प्रकार की है, दुनिया में सबसे पहले ऊंट आया था तब वो किस रूप में, तो आज ऐसा है, गाय किस रूप में थी, बकरी किस रूप में थी, उनसे सारे के सारे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, केवल मनुष्य को कहेगा वो बंदर के रूप में आया था आज ऐसा बन गया,
वो तो ऐसा कहेंगे, हम कहेंगे कि हम बंदर की औलाद नहीं, हम तो ऋषियों की औलाद है। तुम बंदर की औलाद हो सकते हो, हम तो ऋषियों की औलाद आते। हिंदू समाज का कोई ऐसी जाति बता दो जिस जाति की जब हम वही भाट खोल करके हमारी वंशावली पढ़ते हैं तो उस वंशावली का अंत में जाकर के मिलन किसी ऋषि की गोद में होता है कि हम फलाने ऋषि की गोद से उत्पन्न हुए हुए। हिंदू समाज की कोई ऐसी जाति नहीं, हम बंदरों की औलाद नहीं है, हम तो ऋषियों की औलाद है। और दूसरा कि तुम कब पैदा हुए, तो उत्तर मिलेगा जब से ये सृष्टि रची, सबसे पहले कोई मानव बनकर के इस पृथ्वी पर आया था वो हमारे पूर्व ऋषि ही थे। हम तो तब पैदा हुए, हमें कोई 2017 साल नहीं हुए, हमें 1400 साल नहीं हुए। सबसे पहले मनुष्य बनकर के जिसने आंख खोली थी वो हमारे अपने पूर्वज थे। और उनसे पूछा जाए कि आए कहाँ थे, तो कह यही तो आए थे, ये भारत भूमि जिसमें हमने जन्म लिया वही हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया था। तो दुनिया के सारे लोग भाग्यशाली हो सकते हैं क्योंकि बड़ा भाग मानुष तन पाया, परंतु परम सौभाग्य किसी ने पाया तो हिंदू के घर पैदा होने वाले ने और हिंदुस्तान में पैदा होने वाले ने पाया कि हमने परम सौभाग्यशाली। मैं गर्व करता हूँ आप पर कि आप परम सौभाग्य प्राप्त करके इस दुनिया में आए हो। तो आप और हम लोग कोई सामान्य प्राणी नहीं है। पूर्व जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए थे जिसके नाते भगवान ने हिंदू का घर दिया, हिंदुस्तान का आंगन दिया। देवता भी तरसते हैं कि यदि हमें जन्म दिया जाए तो हिंदू के घर देना और हिंदुस्तान में देना। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमें जन्म दिया जाए तो ऐसे पवित्र कर्म करने वाले, ऐसे पवित्र आंगन में जन्म देना जहां हम वापिस देवता योनि में चले जाए। आप देखिए दुनिया सारी की सारी एक तरफ है और हिंदू संस्कृति एक तरफ तोल दो तो हिंदू संस्कृति सबसे श्रेष्ठ और ऊपर होगी। चाहे ऋषियों की बात करो, चाहे दार्शनिकों की बात करो, चाहे वैज्ञानिकों की बात करो।